नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में न जाने कितनी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके उपयोग से शरीर बीमारियों से दूर रहता है। इन्हीं जड़ी बूटियों में एक बूटी है पिपली। पिपली यानी छोटी पीपल। वैसे तो ये मुख्यतः मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन पिपली के चूर्ण के फायदों के बारे में लोग कम जानते हैं। इसका सेवन अगर उचित मात्रा में किया जाए तो ये सेहत को अनेक तरीकों से फायदा पहुँचा सकती है, वहीं इसकी अधिकतर कई नुकसानों का सामना भी करा सकती है। तो आइए सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। ब्रोंकाइटिस से लेकर अस्थमा और खांसी से लेकर गले की खराश तक पिपली कई फेफड़ों की समस्याओं के इलाज में बहुत प्रभावी है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता विभिन्न सांस संबंधी समस्याओं का इलाज करती है। पेट से जुड़ी बड़ी समस्याओं जैसे कब्ज और इनडाइजेशन से आराम दिलाती है। इसका पानी पीने से बाउल को कार्य करने में मदद होती है और कब्ज की परेशानी कम होती है। अगर आप शरीर में रक्त की कमी से पीड़ित है तो ऐसे में बेहद ही कम मात्रा में रोजाना पिपली चूर्ण का शहद के साथ सेवन करना लाभदायक होगा। साथ ही रक्त को साफ करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। पिपली को गाय के घी में तले और फिर उसे चीनी शहद या गाय के दूध में पीस कर मिलाए। भोजन से 10 मिनट पहले या बाद में इसका सेवन करें। इससे नपुंसकता के अलावा शीघ्र पतन की समस्या में भी लाभ मिलेगा। पिपली का काढ़ा बनाकर या पिपली चूर्ण का गर्म पानी के साथ सेवन करने से महिलाओं को हर महीने होने वाली पीरियड्स की वजह से होने वाले पेट दर्द और कमर दर्द से राहत मिलती है। पिपली तासीर से बेहद गर्म होती है, जिसकी वजह से इसका गर्मियों में सेवन करना लगभग पूरी तरह से निषेध माना जाता है। सर्दियों में भी अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से एलर्जी और खुजली जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।